किसके बारे में बात कर रहे थे, यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा अरेंजमेंट मेरा उतना प्रॉपर नहीं है, बट हाँ समझने के लिए अरेंजमेंट क्या है हम लोग का सही है बेटा, देखो ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपको देखने में लग रहा होगा कि एक ऑर्डर्ड वे में नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने किया, बट अगर देखो थोड़ा सा डिफॉर्म करेंगे तो आप मान के चलो कि हम लोग का क्या है, एक क्यूबिक यूनिट से लिए हम लोग के पास, जिसमें पहले हम लोग एटम्स काउंट कर लेते बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, ठीक है। जूम कर लेना बेटा जब यहाँ पे दिखाऊंगा तुम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम लोग के पास क्या है, इतने यहाँ पे 8 एटम्स प्रेजेंट है हम लोग के पास यहाँ पे। सो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये जो आपका यूनिट सेल है, दिस यूनिट सेल विल बी कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव और क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग इसको क्या कहेंगे अभी, प्रिमिटिव और क्यूबिक यूनिट सेल, क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही आपके क्या प्रेजेंट है बेटा, एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसमें जो ये एटम्स प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे जो एटम्स आपके अलग अलग प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके कंट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या बताया था बेटा कि इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1/8, मतलब ये वाला जो आपके पास एटम है इस यूनिट सेल के लिए, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1/8 है, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ कैसे प्रूफ होगा कि इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1/8 है, आओ इस चीज़ को भी दिखाते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन कैसे मैं 1/8 कह रहा हूँ। ये आप यहाँ से नहीं दिख पाओगे, मुझे किसी एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास आके दिखाना होगा ये चीज। एक और स्टिक दो बेटा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब दिख रहा है यहाँ से, देखो बेटा ये मान के चलो कि ये जो आपकी ये वाली स्टिक है, ठीक है ना, ये हम लोग का जो ये स्टिक है आपका, ये आपका क्या है बेटा, आपका एज लेंथ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से हमने इस तरीके से, आप एज्यूम करके चलो कि ये जो आपका ये स्फीयर के क्रॉस होते हुए जा रहा है ये, ठीक है। तो आप देखो ये स्फीयर कितने आपके यूनिट सेल के साथ डिवाइडेड है, आप ये देखना ध्यान से, ये यहीं पे है मान लो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको ऊपर ही रख दे रहा हूँ, ये मान के चलो। तो देखो बेटा टोटल आपके पास कितना है, अब जो स्टिक आपका, देखो ये स्टिक आपका क्या एज लेंथ, ये बॉल के बीच से क्या हुआ, तो देखो आपको क्या यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल कह लो, देख लो यहाँ पे देख लो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल 8 में दिख रहा है आपको। देखो एक बॉल के, देखो ये वाला सेक्शन आप लोअर सरफेस को देखना बेटा, ठीक है, मतलब बॉल के जो बिलो सरफेस है, एक इधर का, 2, 3 और 1, 4, और अब ऊपर वाले सरफेस पे आ जाओ, 5, 6, 7 और 1, 8, तो यानी ये बॉल कितने के साथ डिवाइडेड है, 8 क्या 8 यूनिट सेल, मींस दिस स्फीयर इज डिवाइडेड बाय द, या ये जो पॉइंट है, ये जो एटम है, कितने के साथ डिवाइडेड है बेटा आपका, 8 यूनिट सेल। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये इसका कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, 1/8। अभी क्लियर हुआ ये चीज, ये प्रॉपर मैं करके ला, मुझे लगता है वाला बॉल छूट गया मुझसे, तो मैं ये करके दिखाता आपको। चलो ये चीज क्लियर हो गया। अब यहीं पे दूसरा टाइप हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने बात की थी। देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, अब ये देखो ये जो आपके पास ये यहाँ पे यूनिट सेल है, एक फेस इसका ये कहलाएगा, दूसरा फेस आपके पास देखो बेटा ये होगा, ठीक है, पकड़ो, ठीक है, ये आपका दूसरा फेस होगा। इस तरीके से यहाँ पे टोटल आपके पास क्या है, 6 अलग अलग फेसेस हैं इस आपके किसके, इस क्यूबिक यूनिट सेल के। अब इसी फेस में इसके सेंटर पे, मतलब कुछ यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ बेटा, देखो इसी तरीके से एक यहाँ पे मैं सेंटर पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा क्ले वगैरह का अगर मैं बनाता तो कर लेता, बट मुझे मिला नहीं वो चीज़, ठीक है। तो अब एक इस फेस पे हमने प्लेस कर दिया, दूसरा मान लो हमने एक इस फेस पे प्लेस कर दिया, तीसरा हमने इस फेस पे प्लेस कर दिया, और एक हमने इस फेस पे, इस तरीके से टोटल 6 फेस पे अगर हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, इसको हम प्लेस कर दे रहे हैं क्या चीज़, अपना ये एटम्स अगर हम इसको प्लेस कर दे रहे हैं तो, एक मिनट,
ठीक है, छ पे अगर हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से प्लेस कर दे रहे हैं, तो उस केस में आपका ये जो अब यूनिट सेल मिलेगा उसको आप क्या कहिएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, एक स्टिक सपोज करो मैं यहां से लगा रहा हूं ये डायगोनल एंड, और एक स्टिक इस वाले स्फीयर से लेके यहां तक एंड कर रहा है, और बीच में अगर आपका ये स्फीयर इस तरीके से प्रेजेंट है तो इसको आप क्या कहिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब उस केस में आप ये बताओ ये जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है या ये इस यूनिट सेल को छोड़कर एक्सेप्ट दिस यूनिट सेल इज इट, ये क्या आपका किसी और कह सकते हैं यूनिट सेल के साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है, दिस स्फीयर इज नॉट बीइंग शेयर्ड बाय एनी ऑफ द यूनिट सेल एक्सेप्ट दिस यूनिट सेल, सो इट डज मीन कि इस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना होगा, 1, और इस आठों जो आपके स्फीयर्स प्रेजेंट है बेटा उसका कंट्रीब्यूशन 1, सो इट डज मीन इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपका वो कितना होगा बेटा आपका 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या है देखो, ठीक है जैसा हमने किया था ठीक वही चीज फिर इसी तरीके से यहां पे एक हम क्या करें बेटा, देखो एक हमने यहाँ पे इस वाले फेस के सेंटर पे और इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा, इधर जो मेरे साइड है, तो एक हमने देखो यहाँ प्लेस कर दिया सपोज, और एक सपोज करो कि हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एंड फेस सेंटर्ड सॉरी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल आपका कहलाएगा, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये जो टोटल 8 स्फीयर्स आप देख रहे हैं उसका तो 1 हम लोगों ने पहले ही देख लिया, और एक जो यहाँ पे आपका पास ये स्फीयर प्रेजेंट होगा ये आधा तो शेयर किया जाएगा इस वाले यूनिट सेल, और इसके बगल में भी तो एक यूनिट सेल होगा आधा शेयर किया जाएगा उसके साथ, तो हाफ हाफ मिल करके कितना हो जाएगा 1 प्लस ये जो 8 हो, तो यानी टोटल इसके लिए भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा आपका 2। तो ये टोटल बात रही आपकी किसकी, यूनिट सेल के बारे में। ठीक, और ये कैसे 8 के साथ शेयर किया जाता है ये इसके हेल्प से मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे टोटल कैसे 8 के साथ शेयर किए जाते हैं, ये अलग अलग बना के मैंने आपको बता ही दिया है चीज समझा के, तो बस यही बताना था इसको।